डायरेक्टिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डायरेक्टिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, हमने बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन व्हिच एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, है ना। जिस फंक्शन से आप एक्स वाई अलग नहीं कर सकते वो इम्प्लिसिट कहलाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डायरेक्टिव निकालने के लिए क्या करते हैं, अब वो साइड जो है फिर इसमें डायरेक्टिव ले लेते हैं, फंक्शन का वो साइड फिर इसमें क्या करते हैं डायरेक्टिव ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव ले करके डीवाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ लिख लेते हैं और डीवाई बाई डी एक्स से थ्री टर्म को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ, डीवाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ, फिर डीवाई बाई डी एक्स को हम अलग कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा डायरेक्टिव हो जाता है। तो देखिए जैसे हम सेकेंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन वन का सेकेंड पार्ट पहले करें कि फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। कहते हैं थर्ड पार्ट करते हैं, जैसे इन दोनों में हम अलग अलग कर सकते हैं, y इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x लिख सकते हैं, ये आपका इम्प्लिसिट नहीं होगा, एक्सप्लिसिट होगा, ये भी एक्सप्लिसिट होगा, ये आपका इम्प्लिसिट है ना, ठीक है। इम्प्लिसिट में आप लिख सकते हैं, इसको इम्प्लिसिट में लिख सकते हैं, है ठीक है। तो हम फोर्थ पार्ट का बता रहे हैं, जैसे फोर्थ पार्ट करना है तो इसका डायरेक्टिव निकालना तो कैसे निकालेगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट का डायरेक्टिव निकालते हैं, फोर्थ पार्ट का डायरेक्टिव निकालते हैं। तो देखें जैसे x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू थ्री, इसका डायरेक्टिव निकालना है आपको, है। तो क्या करेंगे बोलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स हाफ थ्री ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कांस्टेंट का जीरो होता है। ऐसे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि आपका फर्स्ट फंक्शन है या आपका सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन ना, तो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर देगा आपका एक्स इंटू डी बाई डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस, फिर देगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यह देगा आपका एक्स इंटू टू वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये देगा आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स के टर्म दो जगह है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इन दोनों के साथ ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा टू एक्स वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इसको जीरो, ठीक है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और इसको टू हाँ टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर ना। इसमें वाई आप बाहर ले लीजिए तो y बाहर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y बाहर लीजिएगा तो हो जाएगा 2x माइनस y, यहाँ पर नीचे हम x बाहर ले लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं तो ये 2y माइनस x हो जाएगा 2y माइनस x, ठीक है। ये चीज हो गई, ये हमारा डायरेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया डायरेक्टिव। देखिए आंसर क्या है, आंसर देखिए आ रहा है, हाँ